चलिए स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नए एक वीडियो से, जिसमें हम बताएंगे वायरस के जीनोम के बारे में। मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में कवर किया है कि जो स्ट्रक्चर होता है वायरस का, वो किस तरीके का होता है। उसके एनवेलप के बारे में बताया है, उसके कैप्सिड के बारे में बताया है, और जो जीनोम है, जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है। तो आपको पता है कि आप चाहें तो पहले वीडियोस देख सकते हैं, मगर उसमें हमने आपको ये बताया था कि जो वायरस होता है उसके अंदर या तो डीएनए या आरएनए होता है, उसके ऊपर एक प्रोटीन से बनी हुई कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड के ऊपर कभी कभी एनवेलप होता है जो वो होस्ट से ले आता है, यानी कि जिस भी सेल के अंदर होता है उस सेल से बाहर निकलते वक्त वायरस उसकी सेल मेम्ब्रेन चुरा लेता है। ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है, तो आप चाहें तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मैं उसका ऊपर लिंक दे दूंगी, आप क्लिक करके देख लीजिए। अब हम आ जाते हैं कि वायरस के जीनोम, जीनोम यानी कि उसके अंदर डीएनए या आरएनए, एक कोई भी चीज होगी, जितने भी और सेल्स होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी बाकी के जो सेल्स हैं, उनमें ऐसा कभी नहीं होता कि डीएनए या आरएनए में से एक हो। ये सिर्फ ये जो हमारा वायरस होता है, इसी की खासियत होती है कि उसके अंदर या तो डीएनए या आरएनए होता है। और स्टूडेंट से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है कि वायरस का जीनोम में क्या खासियत होती है, तो आपको ये याद रखना होगा कि या तो डीएनए टाइप ही होगा या आरएनए ही होगा, दोनों कभी नहीं मिलेंगे। अब अगर डीएनए है ना, अगर डीएनए है, अगर आप लोग बहुत ज्यादा भी नहीं जानते हैं डीएनए या आरएनए के बारे में, तो बस आप इसका नाम याद रख सकते हैं। अगर डीएनए है तो किस टाइप का होगा, या तो डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि एक सी दो लाइन, जैसे कि आप रेल की पटरी देखते हैं उसमें पैरेलल लाइन चलती है, इसी तरीके से अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो डीएनए की दो लाइंस होंगी। अगर वो लीनियर है तो ये लाइन सीधी होंगी, और जिनमें सर्कुलर होती हैं उनमें आपको पहिए के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, क्लोज्ड, और ये सिंगल पहिया नहीं होगा, एक पहिया और उसके अंदर दूसरा पहिया, राइट, व्हील। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अगर डीएनए है किसी के अंदर, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो डबल स्ट्रैंडेड ही हो, उसकी दो ही लाइनें हो, वो सिंगल भी हो सकता है, और सिंगल की भी या तो लीनियर शेप हो सकती है, सीधा सीधा पड़ा हो सकता है, या फिर वो एक गोल व्हील के जैसा, पहिए के जैसा स्ट्रक्चर, जैसे आपकी रिंग होती है हाथ में पहनने वाली, वैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये हो गई कि डीएनए के शेप के होंगे। अब आरएनए अगर वायरस के अंदर है, डीएनए नहीं है, तो हम उस वायरस को आरएनए वायरस कहते हैं, यानी कि उसका जो जीनोम है, जो सब कुछ जिसके अंदर लिखा हुआ है, वो आरएनए है। तो आरएनए जब होगा तो या तो वो फिर से सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, और अगर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, यानी कि सिर्फ आरएनए की एक लाइन है, एक स्ट्रैंड है, तो वो सेगमेंटेड भी हो सकता है, यानी टुकड़ों में हो सकता है, या फिर नॉन सेगमेंटेड हो सकता है, सीधा पड़ा हो सकता है। अब डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और वो सिर्फ लीनियर होगा। दूसरा, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड नहीं आरएनए, तो उसके अंदर हम बोलते हैं कि वो स्ट्रैंड या तो पॉजिटिव सेंस होती है या नेगेटिव सेंस होती है। अगर आप बीएमएलटी डीएमएलटी या हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, मगर एमबीबीएस में है, अगर एमएससी में है, तो फिर आपको ये जानना जरूरी होता है कि अगर पॉजिटिव सेंस है या नेगेटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस का मतलब है कि जो आपका आरएनए है वो सीधा सीधा मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, यानी कि उसी आरएनए पे सीधे प्रोटीन बन जाता है। और अगर वो निगेटिव सेंस है तो सीधे प्रोटीन नहीं बना पाता, पहले उसको एक मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ता है अपने ऊपर, और फिर उस मैसेंजर आरएनए को से बनते हैं प्रोटीन्स। ये फर्क होता है पॉजिटिव स्ट्रैंड में और निगेटिव स्ट्रैंड में। अब एक चीज जो याद रखने वाली है
कि जो वायरसेस होते हैं वो ज्यादातर आरएनए टाइप के होते हैं और डीएनए वायरसेस कम होते हैं। डीएनए के अंदर अगर डीएनए वायरसेस हैं तो वो ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस कम होते हैं। सिर्फ एक पार्वो वायरस होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है, और ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड कौन सा वायरस होता है, डीएनए वायरस कौन सा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डी से आप याद रखें, डी डी फॉर डी यानी कि डबल स्ट्रैंडेड जो होते हैं वो डीएनए टाइप ज्यादा होते हैं, और जो आरएनए वाला केस होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड टाइप के वायरसेस ज्यादा होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड सिर्फ एक होता है जो कि रियो वायरस फैमिली होती है। तो ये भी आपका वाइवा या आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप ये नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। अगर आप एमबीबीएस वगैरह में हैं या आपको पीजी एंट्रेंस देना है तो ये याद रखिए कि डबल स्ट्रैंडेड में कौन कौन से आते हैं, हर्पीस, पेपोवा, और इससे बेहतर ये है कि आप इसको याद रख लें कि सिंगल स्ट्रैंडेड एक ही होता है पार्वो, तो जो बाकी बचे वो यहाँ पहुंच गए। ठीक इसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक ही होता है रियोविरिडी, जिसमें रोटा वायरस आता है, और बाकी सारे जो हैं वो पीछे आप सिंगल स्ट्रैंडेड में डाल दीजिए, तो शायद याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे और बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोस हैं जो कि इसकी ट्रिक्स बताते हैं और आप उनसे याद कर सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमेशा इम्पोर्टेंस रखता है, और आप इस चार्ट को आगे कभी भी देख सकते हैं और इसकी एग्जाम्पल्स मेरे भी इससे ले सकते हैं आप चार्ट से, या फिर और वीडियोस में भी अगर कोई फॉर्मूला हो तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे ये आरएनए वायरस का है कि आरएनए वायरस या तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या फिर डबल स्ट्रैंड होगा। सिंगल स्ट्रैंड होगा तो या तो पॉजिटिव स्ट्रैंड होगा, पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस होगा। फिर अगर पॉजिटिव सेंस वाले हैं तो एनवेलप्ड होगा, नॉन एनवेलप्ड होंगे। फिर अगर एनवेलप्ड है तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि किस तरीके की सिमेट्री है, आइकोसाहेड्रल या हेलिकल। ये आप अभी जब हम सिमेट्री पढ़ेंगे उसके बाद अगर इस पर आते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज इस चार्ट को सिर्फ लर्न करने के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। अगर आपकी जरूरत है कि आपको ये याद रखना है तो आप इसे याद रखें, और अगर ये आपको लगता है कि ये आपके लेवल का नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो एक और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरसेस के बड़े बड़े हम नाम पढ़ते हैं, अब कैसे उनके नाम होते हैं। तो कभी तो आप सुनेंगे पोलियो वायरस तो आप सीधे समझ जाएंगे भाई पोलियो करता है, रेबीज वायरस तो भाई रेबीज करता है। तो कई बार तो हम इनके नाम बीमारियों के ऊपर रख देते हैं, कई बार हम इनके नाम कहाँ पे रख देते हैं जहां पे ये पाए गए, जैसे कि सिंदई वायरस जो सिंदई में पाया गया, कोक्सासैकी वायरस जो कोक्सासैकी एक जगह है वहां पे पाया गया। कुछ लोगों ने जिन लोगों ने उस वायरस को ढूंढा जो उनके डिस्कवरर थे उनके ऊपर उनका नाम रख दिया, उसकी एग्जाम्पल है एप्स्टीन बार वायरस। तो ये सब जो चीजें हैं बेसिकली ये लर्न करने वाली हैं, और आपको शायद ही कभी ऐसे वैसे पूछा जाएगा, मगर ये आप रट सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ समझने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हम वायरस में पढ़ते हैं कि भाई वायरस की सिमेट्री क्या है, यानी कि वो देखने में कैसा लगता है, और ये सिमेट्री एग्जैक्टली होती क्या है। उसका मतलब होता है कि जो आपका कैप्सिड है यानी कि जो वायरस का कवर है वो किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल को कवर किए हुए है। ठीक मतलब कि अगर आपके घर में कोई सामान रखा है या आपके घर में रूम है तो आप बाहर की बाउंड्री उस रूम के देखे कैसी बनाते हैं, क्या आप रूम के देखे उसको गोल बना देते हैं या उसके देखे हट शेप बना देते हैं या किसी और तरह से स्पाइरल बना देते हैं। तो ये किस तरीके से आप जेनेटिक मटेरियल के ऊपर वाला जो कवर है उसको कौन सी शेप दे रहे हैं, ये जो होता है इसको हम कहते हैं वायरल सिमेट्री। तो
तीन टाइप की वायरल सिमेट्री होती है बेसिकली। एक तो हम कहते हैं क्यूबिक, यानी कि जो आपने ज्योमेट्रिकल एक शेप देखी होगी क्यूब, उसके जैसा दिखता है वायरस, और उसे आइकोसाहेड्रल सिमेट्री भी कहते हैं। और ये वायरस के चैप्टर में इम्पोर्टेंट बात होती है। इस वाली शेप में आपको क्या मिलेगा, मैं आगे आती हूँ। यहाँ पे इस तरह की शेप होती है अगर वायरस के कवर की, वायरस का जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन से बना हुआ उसका कवर है, अगर वो इस तरीके की शेप का है, तो इसमें आपको 12 तो कॉर्नर मिलते हैं, ठीक है, 12 इसके अंदर कॉर्नर्स होते हैं, और ये जो ट्रायंगल्स हैं ये 20 होते हैं। जैसे आपके घर के कमरे में चार वॉल होती है, ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर 20 ट्रायंगल्स होते हैं। और जिस तरह से आपके घर की वॉल ईंट की बनी हुई होती है, उसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है, ये एक छोटी एक यूनिट के बने होते हैं जो कि सेम होते हैं हर जगह, उसको हम कहते हैं कैप्सोमर्स। ठीक, तो अब आप समझ लें कि वॉल इस जैसे आपके रूम की वॉल है, वैसे आपका ये एक ट्रायंगल है, जैसे आपका एक रूम है वैसे ये पूरी की पूरा इसका कैप्सिड है। और जिस तरीके से आपके वॉल को हम एक सी ब्रिक से मिलके बनाते हैं जो बिल्कुल एक सी होती हैं, उसी तरीके से इसका एक एक ट्रायंगल किससे बना हुआ है, इसकी ब्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स। ये है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री, जहाँ पे कि कैप्सिड जो होता है इस तरह के शेप का होता है कि उसमें 20 ट्रायंगल होते हैं और 12 कॉर्नर बना लेता है जब वो मिलता है तो। और देखने में अगर दूर से उसको देखा जाए तो वो हमेशा गोल ही दिखाई देता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कैप्सिड घूम रहा है, और यहाँ पे अगर आप एक ट्रायंगल को देखने की कोशिश करें इसका, तो इसमें आप देखिए कि इतने छोटे 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 इनसे मिलके बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स। ये जो एक फूल सा दिख रहा है आपको, ये कहलाएगा कैप्सोमर। बहुत सारे जो वायरसेस हैं उनकी कैप्सिड इस शेप का होता है, जिसे हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल शेप। तो आप याद रखिए कि ज्यादातर जो वायरसेस हैं वो आइकोसाहेड्रल ही होते हैं। इतनी बड़ी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये ध्यान रखिए कि ज्यादातर जो वायरसेस होते हैं वो आइकोसाहेड्रल शेप के होते हैं। दूसरी शेप आई हेलिकल, जो ज्यादातर वायरसेस की नहीं होती, कुछ ही वायरसेस होते हैं जो हेलिकल शेप के होते हैं, जैसे रेबीज वायरस या फिर कोरोना वायरस, इबोला, ये सारे जो वायरसेस होते हैं ये कई बार इस शेप के होते हैं। और कॉम्प्लेक्स जो शेप है वो पॉक्स की होती है, जो चिकन पॉक्स, सॉरी, जो स्मॉल पॉक्स आपका करता है वायरस, उस उन वाले वायरसेस की जो शेप है वो ना तो क्यूबिकल है ना हेलिकल है, समझ ही नहीं आती कि किस तरीके की है, तो उसको हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स। तो तीन शेप्स हो गई, एक आइकोसाहेड्रल जो ज्यादातर होती है, दूसरी हेलिकल जो रेबीज की होती है, तीसरी कॉम्प्लेक्स जो पॉक्स की होती है। और इन दोनों के आप नाम याद रखिए कि पॉक्स और रेबीज वाली, तो आपको फिर ज्यादा वाले नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। हमेशा जहाँ कम एग्जाम्पल हो उनको याद कर लो, तो ज्यादा वाली तो फिर जो बची हुई है वो उसी में आ जाती है। अब अगर आपको मैं हेलिकल सिमेट्री दिखाऊं, तो इस तरीके से होता है कि जो जीनोम है, चाहे वो डीएनए का हो या आरएनए का स्ट्रैंड हो, वो उसे आप ये धागा समझ लीजिए, और यहाँ पे जो कैप्सिड है वो ये मोती की तरह उसको कवर किए हुए है। तो ये एक एक कैप्सोमर है, ठीक है, और ये कैप्सोमर लगा हुआ है इस डीएनए के, आरएनए के ऊपर, जीनोम के ऊपर, और फिर ये इस तरीके से घूम जाएगी माला आपकी, ठीक है। तो ये जो सिमेट्री कहलाती है, ये कहलाती है हेलिकल सिमेट्री। और ये आपका एक फॉर्मूला होता है MRFB, इसके अंदर ये सारे वायरसेस आते हैं। अगर आप को पीजी एंट्रेंस देनी है तो आप इसको याद रखें, और अगर आप को जरूरत नहीं है तो फिर लर्न करने की कोई बात ही नहीं है। ये लिस्ट है हेलिकल वायरसेस की जो कि हम याद रख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए ये जो वायरस है इसकी सिमेट्री क्या हुई, बिल्कुल गोल गोल घूम रहा है तो हेलिकल,
और यहाँ पे इसके ट्रायंगल्स हैं, तो ये कैसा वायरस है? ये है आइकोसाहेड्रल। मगर ये तो हो गया कैप्सिड और जीनोम की बात। अगर इसी वायरस के ऊपर एनविलप आ जाए तो ये एनविलप्ड हेलिकल वायरस कहलाएगा, और अगर इस सिमेट्री के ऊपर ये वाला वायरस एनविलप आ जाए तो हम कहेंगे इसको एनविलप्ड आइकोसाहेड्रल वायरस। तो आप ये याद रखिए कि सिमेट्री में जो शेप है वो कैप्सिड की है जीनोम के ऊपर, ना कि एनविलप की है। एनविलप तो आके उसे गोल कवर ही कर लेता है। तो हम जब सिमेट्री की बात करेंगे तो आप हमेशा कैप्सिड को डिस्क्राइब कीजिएगा जीनोम के साथ, उसमें हम एनविलप की बात नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा कि कैप्सिड के बारे में कैप्सिड की शेप को आप बताते हैं, ना कि एनविलप की शेप को। ये आपका पॉक्स वायरस है। तो ये सारा जो वो था वो आपको सिमेट्री के बारे में था, और वायरस की सिमेट्री कैसी होती है, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक आपका हमने बताया था कि जीनोम किस तरह का होता है, डीएनए होता है या फिर सिर्फ आरएनए होता है, डीएनए में क्या शेप हो सकती है, सीधा हो सकता है या फिर रिंग के जैसा भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, दोनों ही केसेस में, डीएनए में भी और आरएनए में भी। तो ये सारा आपको वायरस के जीनोम के बारे में और उसकी सिमेट्री के बारे में था वीडियो। अगर आपको अब जब हम नेक्स्ट वाला बनाएंगे तो वो हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, यानी कि जो वायरस है वो एक से दो कैसे होता है। तो ये इतना इजी नहीं है, बैक्टीरिया के केस में बड़ी आसानी से हमने देखा है बाइनरी फिजन हो जाता है, कि जो बैक्टीरिया का एक सेल है वो दो में टूट जाता है, जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। या फिर कुछ चीजों में हमने देखा, एक छोटी सी बड निकलती है सेल में से, थोड़ी देर बाद वो बड़ी होती है और फिर अलग हो जाती है, जिसको हम बडिंग कहते हैं। ये दोनों, ये सारे मेथड सिंपल हैं, मगर वायरस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक बार सेल के अंदर जब घुस जाता है तो उसको फिर एक लंबा तरीका लगता है मल्टीप्लाई होने में। ये हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप नीचे लिख के मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, फिर आगे वाले वीडियो में मिलते हैं।